कल यानी कि 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश और पंजाब में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो रही है। इसी बीच बात करें बलिया की, तो बलिया सदर से दयाशंकर सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें बलिया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वहां की सड़कें टूटी फूटी हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। अब यहाँ के लोग बस इसी उम्मीद में हैं कि कोई उनकी समस्या को हल कर दे। सुनिए इस पर क्या कहते हैं बलिया से भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह। नेतृत्व के मैं नजदीक रहा हूँ, चाहे माननीय मोदी जी हों, माननीय अमित शाह जी हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सबका कहीं ना कहीं मेरे पर विशेष स्नेह रहा है और मैं इसके कारण मैं बलिया के लोगों से भी वादा किया हूँ और आप लोगों में भी इस बात के लेकर के विश्वास है कि बलिया के लिए कोई बहुत ही मैंने कंक्रीट काम होगा जो आजादी के बाद अब तक नहीं हुआ है बलिया के विकास के।